नेक्स्ट आर द ह्यूमन फैक्टर्स एक्सपर्ट्स. बेसिकली ह्यूमन फैक्टर्स एक्सपर्ट्स वो पर्सन होते हैं जिन्होंने इस फील्ड के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन की होती है. उन्होंने ह्यूमन या जो हेल्थ सिस्टम जो है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन की होती है. एंड देयर मेन पर्पज इज टू मेक द हेल्थ केयर सिस्टम बेटर टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी. और जो ह्यूमन फैक्टर एक्सपर्ट्स होते हैं उनका बेसिक पर्पज यही होता है कि उन्होंने ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम को डिजाइन करना होता है कि जिसके अंदर तमाम जो है रेंज ऑफ वर्कर्स जो है वो आ सके. दोज वर्कर्स जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट वर्कर्स से लेकर जो है जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं वो आ सके. अहमद अली मलिक यस मैम. अहमद आपको ह्यूमन फैक्टर्स की क्या समझ आई है? मैम मेरा अभी अभी ज्वाइन हुआ है, पहले वो 100 का वो आ रहा था लिखा हुआ. अच्छा, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था. हनिया मसूद. मैम मैंने भी अभी ज्वाइन किया है. हिना अफजल. यस मैम. ओके हिना, आपको ह्यूमन फैक्टर्स की क्या समझ आई? ह्यूमन फैक्टर्स में वो फैक्टर्स हम लोग देख रहे होते हैं जिनकी वजह से एरर हो रहा होता है. इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, एक्सटर्नल भी, और इसमें जो है एक्सपर्ट्स भी हम लेते हैं, और ये भी है कि नॉन एक्सपर्ट वालों को भी चांस दे रहे होते हैं. जो ह्यूमन फैक्टर्स एक्सपर्ट्स होते हैं ना, ये वो एक्सपर्ट समझ लें कि पर्सन भी होते हैं जिन्होंने इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन की होती है. ठीक है, और वो फिर फर्दर जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में फ्लॉज होते हैं उनको दूर करने के लिए वो ऐसे डिजाइन बनाते हैं. सो दे आर सम ट्रैप्स इन द हेल्थ केयर सिस्टम. में कुछ ट्रैप्स होते हैं, आपने कभी सुना है लुक अलाइक मेडिसिन एंड साउंड अलाइक मेडिसिन? यस मैम. कैन यू गिव एन एग्जांपल? समटाइम्स उनका कलर सेम हो सकता है, उनकी शेप सेम हो सकती है, समटाइम्स उनकी जो पैकिंग है वो सेम हो सकती है. जैसे यहाँ पे जो है दो आई ड्रॉप्स हैं, एक जो है स्टीरॉयड है, ट्रोपिकामाइड जो है वो स्टीरॉयड आई ड्रॉप है, दूसरा साइक्लोपेंटोलेट है, ये एंटी मस्क्रीनिक है. ठीक है, लेकिन दोनों की पैकिंग सेम है तो दे कैन कॉज कन्फ्यूजन.
कंफ्यूजन की वजह से एरर हो सकता है और एरर की वजह से जो है पेशेंट सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है. सो जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ अपनी सिर्फ और सिर्फ मेमोरी पर रिलायंस ना किया जाए. ठीक है, मेक थिंग्स विजिबल मीन्स के चीजों को डॉक्यूमेंटेशन कीजिए. खासतौर पे जब आप हॉस्पिटल सेटअप के अंदर काम कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रिव्यू करें और सिंप्लीफाई करें प्रोसेस को. रिव्यू करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक तो आप नेक्स्ट टाइम जो है वो मिस्टेक ना करें. जो प्रोसीजर्स हैं या प्रोसेसेस हैं या मेडिकेशन दी जा रही हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके ताकि वो सबके लिए जो है वो एप्लीकेबल हों. जब अगर क्लिनिशियंस अगर आपस में भी बात करें और अगर उस प्रोसेस या प्रोसीजर को उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है तो उसको अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प मिलती है. रूटीनली जो है वो चेकलिस्ट जो है वो यूज की जाए ताकि कोई भी चीज जो है वो मिस आउट ना हो सके. और लास्टली ये है कि विजिलेंस पर जो रिलायंस है वो भी कम रखी जाए क्योंकि बहुत ज्यादा केयरफुलनेस जो है अल्टीमेटली जो है वो ब्रेन जो है वो बर्न आउट होगा और उसकी वजह से लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है और उसकी वजह से वर्क पर जो है वो इफेक्ट आएगा. ह्यूमन फैक्टर्स की जो समरी है वो ये है कि ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग या हमने डिजाइनिंग इस तरह से करनी है कि जो हमारी बोथ वर्क प्लेस है और इक्विपमेंट है उन सबको हमने इस तरह मॉडिफाई करना है कि जो हमारी ह्यूमन एरर्स है उनको हम मिनिमाइज कर सकें. अक्सा मुख्तार और अक्सा मुख्तियार अक्सा आर यू हियर? मोहम्मद अरसलान? यस मैम. ओके अरसलान, आपको ह्यूमन फैक्टर्स की क्या समझ आई है? मैम ह्यूमन फैक्टर में मैम लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, इसमें हमारे पास वर्कर्स की एफिशिएंसी आ जाती है. तो उसके बाद मैम एक्सपर्ट्स में हमने पढ़ा था कि ये पर्सन वो होते हैं जो जिन्होंने इनमें स्पेशलाइजेशन की होती है, जिन्होंने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन की होती है. ठीक है, और उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो पेशेंट्स के लिए भी सेफ हो और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी सेफ हो. यस मैम. ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर वो पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं जो किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी को इफेक्ट कर सकते हैं, उसकी वर्क कैपेसिटी को जो है इफेक्ट कर सकते हैं. पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स नेगेटिव हैं तो उनको मिनिमाइज किया जाए ताकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर बनाई जा सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो रेजिडेंट्स होते हैं मेडिकल रेजिडेंट्स हैं उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी. उसकी जगह अगर उनके वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाएं तो ये जो वर्किंग आवर्स हैं ये बेसिकली ह्यूमन फैक्टर है. अगर इन उनके वर्किंग आवर्स को हम कम कर दिया जाए, ठीक है, उस इतना कर दिया जाए कि जिससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है, तो हमने इससे क्या किया है, उससे पेशेंट सेफ्टी को भी बेहतर बनाया है. ये अल्टीमेट जो हमारा वो गोल है वो पेशेंट की का ट्रीटमेंट है और उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाना है. तहसीन फातिमा? तहसीन आर यू हियर? शरवाल नईम? तहरीम कामरान? जो पार्टिसिपेंट सिर्फ
प्रेजेंट हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनके फिर एब्सेंट मार्क होंगे. अगर आपको नहीं आता इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कि जब आपका जो नाम लिया जाए तो एटलीस्ट बोलें. समिया सज्जाद. जी मैम. ओके समिया, आपने मुझे स्विस मॉडल का बताना है, स्विस चीज मॉडल का. मैम ये मैं अभी ना क्लास अभी ज्वाइन किया, लेकिन ये पेशेंट सेफ्टी वन में हमने पढ़ा था कि इसमें बेसिकली ऐसी चीजें होते हैं जिसके थ्रू हम एरर कम कर सकते हैं ना, कि ह्यूमन एरर को मतलब कम कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली ऐसा मॉडल है. ठीक है, उसके अंदर जो स्लाइसेस है वो क्या इंडिकेट करते हैं? तहरीम जफर. यस मैम. तहरीम, हमने स्विस चीज मॉडल पढ़ा है, उसके अंदर जो स्लाइसेस हैं, स्लाइसेस ऑफ चीज हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मैम वो स्लाइसेस पेशेंट सेफ्टी के अंदर जो सेफ्टी बैरियर्स होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं, और उनमें जो होल्स हैं वो सिस्टम के फ्लॉज को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे सकती हैं? जब हम हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जाते हैं कि कोई एक सेफ्टी मेजर हो और एक जो है वो फ्लॉ हो. जैसे मैम डॉक्टर ने अगर पेशेंट से उसकी हिस्ट्री नहीं ली तो मे बी वो कोई ऐसी मेडिकेशन यूज कर रहा हो जो अब वो जो डॉक्टर उसको नई मेडिकेशन दे वो उसके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेट करे, तो ये फिर फ्लॉ में आ जाएगा. हाँ ये फ्लॉ में आ जाएगा. ठीक है, गुड. नबीला. Nabila, are you here? Or koi question? Ma'am, a question hai. No, ma'am. Ma'am, slide number 18 pe jo last point tha, wo ek dafa explain kar de. Decrease the reliance on vigilance. Vigilance कहते हैं carefulness को. If you are very careful at your work, ठीक है, तो sometimes ये होता है कि बहुत ज्यादा carefulness की वजह से brain जो होता है वो exhaust हो जाएगा. ठीक है, brain बहुत ज्यादा active है लेकिन ये होगा कि brain exhaust हो जाएगा, burn out हो जाएगा, उसकी वजह से कुछ जो common चीजें होती हैं वो भी miss out हो जाती हैं. Okay ma'am. Okay. बेसिकली जब आप बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं आपका जो एड्रेनर्जिक सिस्टम होता है वो ऑन होता है, लेकिन उसकी वजह से बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस में भी जो परफॉर्मेंस होती है वो लो हो जाती है. ओके मैम, थैंक यू. इसकी हम स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम्पल जो होती है वो ऐसे भी ले सकते हैं कि यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, जो आप पेपर दे रहे हैं तो तब मे बी आप भूल जाएं डिस्पाइट के आपने उस क्वेश्चन को या उस चीज को याद भी किया हुआ था. यस मैम. एनी अदर क्वेश्चन? मैम पहले हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा था तो फर्स्ट 10 स्लाइड्स नहीं हमने की, तो उसमें जो स्विस चीज मॉडल का आप बता रही हैं उसको एक दफा एक्सप्लेन कर दें. स्विस चीज मॉडल जो है वो एक हेल्थ केयर मॉडल है. ठीक है, उसमें स्लाइसेस ऑफ जो चीज हैं, अगर जो स्विस चीज को हम थोड़ा सा याद करें तो उसमें स्लाइसेस ऑफ चीज होते हैं और उसके अंदर होल्स होते हैं. जो स्लाइसेस ऑफ चीज हैं वो बेसिकली प्रोटेक्शन बैरियर हैं. ये वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है लेता है ताकि पेशेंट की ट्रीटमेंट बेहतर हो सके, उसकी सेफ्टी जो है उसमें कंप्रोमाइज ना हो. ठीक है, लेकिन अगर उन पॉइंट्स के अंदर या उन सिस्टम के अंदर अगर कोई फ्लॉज हैं तो वो जो फ्लॉज होते हैं, डेफिशिएंसीज होते हैं, वो होल्स की सूरत में रिप्रेजेंट होती हैं.
अगर हम उसी पॉइंट पर उन फ्लॉज को डेफिशिएंसीज को करेक्ट कर लेते हैं तो पेशेंट जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशन में जाने से जो है वो बच जाता है, लेकिन अगर हमने उनको करेक्ट नहीं किया तो फिर फर्दर जो है पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाएगा, और अगर तब भी हमने वहां पर उस डेफिशिएंसी को कवर नहीं किया तो वो फर्दर जो है वो आगे चला जाएगा और उसकी वजह से जो है उसकी वजह से पेशेंट, एक तो पेशेंट कॉम्प्रोमाइज होगा, सिस्टम जो है वो भी फेलियर की तरफ चला जाएगा। सपोज ये है कि एक हॉस्पिटल है, वहां पर जो है वो बर्डन बहुत ज्यादा है, इमरजेंसी में बर्डन बहुत ज्यादा है, अगर हमने उस टाइम पर ऑर्गेनाइज नहीं किया सिस्टम को अपने ऑर्गेनाइज नहीं किया इमरजेंसी के अंदर, तो वो फ्लॉ होगा, ठीक है। उसकी वजह से होगा कि जो पेशेंट्स वहां से उस फ्लॉ के अंदर से निकलेंगे वो पेशेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन के साथ होंगे, ठीक है। एक पेशेंट जिसको हमने इमरजेंसी में ट्रीट करना था वो वहां से ट्रीट होकर घर जा सकता था, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं मैनेज हमने इमरजेंसी में किया, उसकी वजह से वो पेशेंट जो है अब वार्ड में एडमिट हो गया, ठीक है, तो ये एक फ्लॉ था। ओके मैम, थैंक यू। और फिर उसके बाद ये कि अगर उस वार्ड के अंदर रहते हुए भी अगर हमने प्रॉपर पेशेंट की हिस्ट्री नहीं ली है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन थी वो इमीडिएट होनी थी या वो रिक्वायर्ड थी हमने वो नहीं की है, कुछ मेडिकेशंस थी वो बहुत जरूरी थी उसको देना वो हमने नहीं दी है, ठीक है, इट मींस के पेशेंट जो है एक फिर वो एक फ्लॉ आ जाएगा, चाहे वो एक ह्यूमन एरर हो या वो मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है, तो एक फिर एक फ्लॉ होगा तो पेशेंट उस फ्लॉ के अंदर से फिर निकल आएगा, ठीक है। इन फ्लॉज को जो है वो आइडेंटिफाई करना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है ताकि पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो बेहतर तरीके से की जाए, और जो इन डेफिशिएंसीज को, फ्लॉज को और पूरे सिस्टम को देख रहे होते हैं वो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन, बेसिकली जो है साउंड अलाइक मेडिसिन वो होती हैं जब हम बोलते हैं तो वो एक जैसी लगती हैं, लाइक डोपामीन एंड डोब्यूटामीन, ठीक है। डोपा और डोब्यूटा जो है वो दोनों जो है वो हार्ट पर जो उनका इफेक्ट ये होता है कि हार्ट रेट को ज्यादा करती हैं, लेकिन ये है दोनों डिफरेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर साउंड लाइक मेडिसिन, लुक अलाइक वो होंगी जो दिखने में सेम होंगी, मे बी उनकी पैकिंग सेम हो, मे बी उनकी शेप सेम है, उनका कलर सेम है, वो लुक अलाइक मेडिसिन में आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन? अली हैदर? यस मैम। अली हैदर, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कोड बताए थे, रेड येलो और ग्रीन कोड के बारे में बताया था, आपको क्या समझ आई थी? मैम मैंने अभी लास्ट में एंड में ज्वाइन किया, मैंने आपको मेल भी की थी कि मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा कैपेसिटी लिमिट की वजह से। ओके तो इसलिए मैं नहीं बता पा। आपने कहां से ज्वाइन किया है? मैम अभी वो जो आपने 18 स्लाइड्स पे वो जो भी एक बच्ची ने सवाल किया था कि भी वो क्या कहते हैं 18 नंबर स्लाइड के ऊपर वो तीन पॉइंट्स वो लास्ट पॉइंट रिवाइज करवा दें, मैं वहां से मैंने ज्वाइन किया था। ओके ठीक। और मैम फिर अभी आपने ये लुक लाइक और साउंड लाइक मेडिसिन का बताया, इसमें बीटा ब्लॉकर्स बताई आपने, डोपामीन और वो एक दूसरी। नहीं, ये बीटा ब्लॉकर नहीं है, ये बीटा एगोनिस्ट ही है, ठीक है, लेकिन ये साउंड अलाइक है, डोपामिन और ड्यूटामिन। ओके ओके मैम। अक्साल सर? यस मैम। अक्साल, लेक्चर के स्टार्ट में जो है मैंने रेड येलो ग्रीन कोड के बारे में बताया था। यस मैम। आप उसको दोबारा बताएं। आपने बताया था कि अगर इमरजेंसी में हमारे पास एक पेशेंट आया है जिससे फीवर या सोर थ्रॉट है, तो उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है कि मींस दैट वो हाफ एन आवर वेट कर सकता है। हाँ, वो वेट कर सकता है।
तो उसे हम येलो कोड में कंसीडर करेंगे या उसे वहां पे पुट करेंगे, उसे ग्रीन कोड में करेंगे, सॉरी ग्रीन कोड में, या ग्रीन कोड में येलो में वो होगा जिसका ब्लड प्रेशर हाई होगा और लाइक हेमरेज है उसे, तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट वेट कर सकता है। अगर तो वो ब्रेन हैमरेज में चला जाएगा और उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन है तो फिर वो रेड में जाएगा, अदरवाइज वो भी येलो में ही रहेगा। ओके, और रेड में वो होगा जिस लाइक पेशेंट को शॉक है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट या प्रोसीजर उसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, कोई पेशेंट जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन के साथ आ जाता है, ठीक है, वो कौन से कोड में जाएगा? रेड कोड। वेरी गुड। Any other confusion? Farah, attendance जो है वो मैंने आपके यहाँ participants की list से screenshots ले लिए हैं, okay? तो मैं यहीं से attendance लूंगी, पहले भी और अभी भी। ओके मैम, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, फिर लेक्चर जो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। Excuse me, ma'am. जी मैम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है इस सेक्शन का तो प्लीज बता दें। नहीं अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। Okay, ma'am. मैम बना हुआ है पेशेंट सेफ्टी का, आपने पहले से बना हुआ है? Yes, ma'am, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सेक्शन A1 का। Okay, ठीक है, सेंड कर दें प्लीज। फिर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट कर लें, ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर लेती हैं।